अक्सर कहा जा है कि किसी भी जगह को 40 दिनों तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर ऐसा करना जरूरी भी हो तो वहां रोशनी जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि उस जगह मुकम्मल अंधेरा और वीराना रहा तो वहां किसी और का बसेरा हो जाता है। कराची में वाक़े ये अंजुमने मैयत खाना, जो पिछले 25 सालों से वीरान है, जी हां 25 सालों से, और अब अगर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करना चाहें तो मार पड़ती है। तकरीबन 2 महीने पहले एक जनाजे को ले जाने के लिए यहां मौजूद मैयत डोली को इस्तेमाल करने की कोशिश में 5 लोग मार खा चुके हैं, लेकिन उन्हें मारने वाला नजर नहीं आया या नजर नहीं आए। ऐसा नहीं कि ये कभी आबाद नहीं थी। 25 साल पहले इस जगह पर हर गम अफसोस और लोगों के मसाइल हल करने के लिए बकायदा पंचायत बैठा करती और फैसले भी लिए जाते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान कम होता गया और इस जगह को सिर्फ मैयत का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज ये नौबत आ गई है कि इलाका मकीन रात तो दूर दिन में भी यहां नहीं आते। वजह है खौफ उनका जो नजर नहीं आते, क्योंकि लोगों के मुताबिक उन्होंने देखा है यहां लोगों को मार खाते हुए, लेकिन मारने वाले को कोई देख नहीं सका। हमसे कहा गया कि आप यहां एक रात गुजार लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या है। सबने चले जाना जी इस तरफ इन के ऊपर, लेकिन ये है कि हम सामने हैं चीजें, कहां हम मौजूद हैं। इधर पैसे कोई ना आए, सर दिन है अभी, हाँ मगरिब भी नहीं हुई है। भाई अल्लाह, वो दीमक चेक करें ऊपर तक सुबह सामने चल, जानवर क्यों शोर करना शुरू हो गए अचानक, तो छोड़ दिया चारे को भी। ऐसी बातें क्यों लेना है, पता चल गया होगा उसको आने का अंजाम। अच्छा गोबर है सुबह में यहाँ पे काफी ना, ऐसी जगह पे ऐसा सामान है और फिर गंदगी देखे आप, चाम कड़े दीमक की है सारी, ये जाले लटक रहे हैं ऊपर साइडों पे सारे, बिल्कुल जाले, और ये देखे ना आप सर भी दीमक से लगी है सारी। पर चलो ये क्या पाइप है, नहीं ये मट्टी पे देखें क्या बनाया भाई, ये तो ऐसा लग रहा कोई आदमी बना के गया हाथ से, ये नोट करें सोल में कुछ याद आएगा। हाँ ये उस तरफ गुड़िया के साथ भी देखा है मैंने, चेक करें इसको जरा।
ये पत्थर यहाँ क्यों है दादा? खोपड़ी है यार जी, खोपड़ी है सर। खोपड़ी को अल्लाह सुहेल भाई इधर आए, ये चेक करें। पार्ट नहीं होगा ये मेरे ख्याल से, और मुख्तलिफ है। ये देखें खोपड़ियां हैं, खोपड़ियां। अभी तक जो हमारे सामने चीजें आई हैं उसमें हमें गुड़िया मिलती है, जहाँ पास बैठने की जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। यहाँ बैठने की जगह ये वॉशरूम है, आप दिखा सकते हैं। और ये देखें ना, अब कुछ आग की भी है, निशानियां बाकियात हैं यहाँ जलावा, और स्मेल है जलने की, जैसे कुछ जलाया गया हो यहाँ पर। अब एक गुड़िया है जी, बैठने की साथ जगह है बाथरूम के पास, एक पॉसिबिलिटी तो किसी ने बैठ के कोई अमल करने की कोशिश की। वो कमरा जहाँ सब बर्बाद है, वहाँ कोने पे आपको कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ महसूस होता है जो समझ से बालातर है। तीसरी जगह पे उस दरख्त के नीचे, वहाँ भी बैठने की जगह है और बहुत सारी खोपड़ियाँ हैं, एक से जायद। तो तीन मकामात तो ऐसे महसूस होते हैं जैसे कहीं बैठ के अमल किया गया, कोई कोशिश की गई। आता जाता कब कोई नहीं, यहाँ पे सफाई काम का कोई निशान नहीं है, और डोलियों से अंदाजा हो रहा है कि अरसे तक किसी ने डोली को उठाया नहीं है। अहमद अली भाई, अहमद अली भाई हम कहाँ मौजूद हैं? ये कोटीडड़ो। कोटीडड़ो जी। और ये क्या जगह है? ये हमारी अंजुमन थी, पुरानी अंजुमन। अंजुमन से मुराद जहाँ पर ऐसे मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। कोई गम में जी, खुशी में भी जी। अच्छा, तो ये इसका ये हाल क्यों है? ये अभी तकरीबन 20-25 साल हो गए ये बंद पड़ी है। 20-25 साल से बंद है? हाँ, पहले हम आबाद करते थे, हमारे बड़े दादे दादे ये आबाद करते थे। अभी हमने शुरू करने की कोशिश की तो ये जिनाद है, ये वो है इसमें। अभी हमारे को खुद खौफ है, हम कहते हैं कोई अंदर नहीं जाए तो सही है, अच्छा है। इधर सामान रखो तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्या करें? अभी सामान यहाँ से वहाँ हो जाता है जी। तो ये कैसे पता चला कि जिन्नात है? जिन्नात है, लोगों ने को मारा है, लोग इधर से भागे हैं अंदर, अंदर से। कब? तकरीबन ये 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले किस टाइम पर आए थे वो लोग? वो मगरिब का टाइम था। तो वो आए किस लिए थे? मैयत आई थी कोई जी। क्या हुआ? वो तो ये सामान निकालने के लिए बंदा आया था, डोली जी। अच्छा, फिर? तो वो भागे, 4-5 बंदे थे, भाग गए, कह रहा जिना दे ये वो। फिर दूसरा गया, वो भी ऐसे ही। ये आपके बाप दादा के दौर से ही ऐसा हो रहा है या बाद में हुआ है सब कुछ है? ये बाद में हुआ है, ये बंद थी ना। किसी को बुलाया, किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को, क्या मसले है? नहीं, वो कह रहा बस अभी छोड़ दो, इस जगह को ही छोड़ दो, अभी हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया ये सब। देखने वालों ने हुलिया क्या बताया उनका जो मार रहे थे उनको? वो कह रहा है हमारे को सिर्फ ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा बस। क्या पता कोई नशा करने वाला भाई? नशा वाला तुम भी दिखाई दोगे ना, वो तो दिखाई नहीं देगा, फिर कैसे? फिर मार पड़ी है, मार पड़ी है। और अगर हम रात को जाएंगे अंदर तो हमें मार पड़ेगी? हाँ, बोले जाओ, पता चल जाएगा, जो होगा पता चल जाएगा आप लोगों को। बड़े यकीन से आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप आओगे तो आपको मार पड़ेगी? आप इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आप फिर जाओ ना एक रात, तो जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं ठीक है, इनकी बात हम तो बाहर होंगे, फिर आप लोग ये किस्सा हमारे को बताओगे। आप चैलेंज कर रहे हैं? आप रात 12 बजे यहाँ से गुजर रहे थे, आपको एक पत्थर लगा जी, और आप यकीन से कह रहे हो कि वो किसी इंसान ने नहीं फेंका? नहीं, जिन ने फेंका। जिन ने फेंका, मारा आप? मतलब रात को इस जगह के अंदर क्या करीब में भी जाओगे तो मार पड़ेगी? मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह।
तूफान तूफान आ गया आ गया आ गया रात तो हो गई है और अच्छा भाइयों ख्याल से रात हो गई है ठीक है। आवाजें बिजली और भयानक बना रही है। सुना सुना ये और भयानक बना रही है। सुना सुना ये यहाँ से आई आवाज अस्सलाम वालेकुम दो तरफ से जी। क्या कह रहे हैं अच्छा आ जा क्या कह रहे हैं अच्छा आ जा आ जा है सुन रहे हैं तीनों कमरों से आ रही है आवाज एक से नहीं छत से भी ये कौन है आप सुदबूरी अल्लाह सुल भाई ये देखा आपने हाँ मैंने देखा नीचे आ रही थी ये इतनी बड़ी बोरी इतना है नीचे जो ओह सुल भाई कौन अल्लाह और इसीलिए लेने नहीं आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड हुआ है हाँ रिकॉर्ड हुआ है। बोरियां उठ रही है बोरियां यार ये बोरी नहीं ये बोरा है हाँ ये यार ये बोरी नहीं ये बोरा है हाँ ये ये दरवाजा हिला हाँ मेरे सामने हिला ये 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 ये, ये। कौन है इधर है सारा दिमाग में पूरा दिमाग से ऊपर ना गिर जाए जो चेक करें कौन है कोई है, है? दरवाजे के पीछे इधर कोई नहीं कोई नहीं है कोई भी नहीं नहीं यार इधर पहले खिड़की से देख लेंगे कमन करा ना देख ले क्या हाल हो गया इधर सुन भाई ये बोलिया इतना थोड़ी थी ये पूरी आई हम पे आई है इस तरफ से था जब जाए तो वाला कुछ लग इशारे अच्छे नहीं है बिल्कुल ये इंग्लिश में लिखा हुआ डू नॉट डिस्टर्ब हाँ सही कह रहा है हम बाहर आते हैं हाँ। कोई आवाज नहीं जहाँ इस छत में अंदर आते हैं वो शुरू है वो क्या कह रहे थे आप रात को जो आपको पता चल जाएगा पता चल जाएगा यार एक कमरे से हो ना एक छत से हो दो से हो या तीनों से एक साथ कैसे जिसको छत भी है यार छत पे जाने का रास्ता नहीं है ये जानवर ये परिंदे उसी वक्त क्यों शोर करते हैं उसी वक्त क्यों वार्निंग देते हैं सुल भाई मुझे नहीं लगता कि कोई शरारत है ये बराए मेहरबानी हमें एक बार अंदर आने दें बराए मेहरबानी हमने चले जाने वैसे गुजारिश है हम जो देखने आए हैं हमें देखने दें हमने वैसे ही चले जाना है रास्ता ही नहीं है जाने ऊपर चढ़ते जाओगे चलो बिस्मिल्लाह
सो भाई जल्दी सो जल्दी सो जल्दी सो जल्दी 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 नामुमकिन बात है साहब जल्दी आए जल्दी आए कोई रास्ता नहीं अल्लाह हू अकबर जल्दी करो बाहर 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 एक सेकंड हम समझ अल्लाह बाहर 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 ओए ओए गलसला आ गया क्या हमारे जाने से एक सेकंड हम समझ अल्लाह बाहर 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 गलसला आ गया क्या हमारे जाने से यही मैं दोनों कमरे की खिड़कियां दरवाजे दीवारें महसूस की ही नहीं सी बिल्कुल भाई छत आ रहे दीमक खाई भी पूरी छत को अल्लाह का शुक्र है तजर्बे छत नहीं आई नीचे अल्लाह बिल्लाह अल्लाह बारी यार बहुत ख्याल रखना भाई आप ये जानवर है ना ये किसको आपके सामने है सब जाने नुकसान ना हो चलो भाई सजा फिर भी एक भौंक रहा है एक रो रहा है करीब आ रहे हैं ना हमारे आस पास गलत फैसला तो नहीं है ख्याल में आ जाओ ये क्या हो रहा है सुन रहे हैं चारों तरफ सुन रहे हैं ध्यान वहां तो जा ही नहीं रहा मेरा ध्यान यहां से हट ही नहीं रहा यार इस बोरों से ये क्या हो रहा है सुन रहे हैं चारों तरफ सुन रहे हैं ध्यान वहां तो जा ही नहीं रहा मेरा ध्यान यहां से हट ही नहीं रहा यार इस बोरों से ये देखो वो अलर्ट हो गए क्योंकि उन्हें नजर आ रहे होंगे हमें नजर नहीं आ रहे जी मैंने इनके बीच में बच्चों के रोने की आवाजें सुनी है जी इनके रोने की आवाजें सुनने मना कर रहे हैं तो मत जाओ मेरा दिल भी आज गवारा नहीं कर रहा बिल्कुल मना कर रहे हैं तो मत जाओ मेरा दिल भी आज गवारा नहीं कर रहा बिल्कुल क्या हो गया कहाँ कहाँ से आ गए ये बहुत सारे मिले सदर भैया देख रहे हैं उनको दिख रहा है ये माहौल आपके सामने है क्या हो गया कहाँ कहाँ से आ गए ये बहुत सारे मिले सदर भैया देख रहे हैं उनको दिख रहा है ये माहौल आपके सामने है नुकसान ना हो ना यार अंदर से आ रही है जानवरों क्या कहेंगे आप उसका ये अंदर से ये वाले रूम से मतलब यहां से कोई बोलता है जिसके जवाब में शोर कर रहे हैं रो रहे हैं सारे ये अंदर से ये वाले रूम से मतलब यहाँ से कोई बोलता है जिसके जवाब में शोर कर रहे हैं रो रहे हैं सारे ये तो रो नहीं हाँ कमरान सामने रखना इधर देखना कसूर भाई इधर देखना सामने तो चीज आए ना बस यार पत्थर देखा ये रिकॉर्ड हुआ है ये यहाँ होगा यकीन पूरा दरवाजा तो चीज आए ना बस यार पत्थर देखा ये रिकॉर्ड हुआ है ये आया होगा यकीनन पूरा दरवाजा पूरा फ्रेम खुला हुआ था यकीनन आया होगा ये
तो चुप ही नहीं हो रहे जानवर? जानवर वहाँ चुप नहीं हो रहे अंदर से यार, यही तो दिख रहे उनको, यही तो दिख रहे उनको। लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह बिल्लाह। तो माफी मांगते हैं और निकलते हैं। हैं? माफी मांगते और निकलते सरदार। दादा हमने किया क्या है, मतलब बात है हुआ क्या है यहाँ? तो कह रहा हूँ हमने कुछ नहीं किया है, सजा हमें क्यों मिले? नहीं नहीं, हम थोड़ी कोई मुकाबला कर रहे हैं इनसे। उन्हें तो ये लग रहा है ना कि हम कहीं से आ गए इनके लिए। जिसने गलती की है उसका नाम बता दें। जिसने गलती की है उसका नाम बता दें। आज के बाद तो यार किसी जगह को नॉर्मल लेना ही नहीं। अच्छा ये चुप होते हैं, अंदर कोई मूवमेंट होती है फिर शोर करना शुरू कर देते हैं। तो साहब इन्हें नजर आ रहा होगा ना जो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम तो सिर्फ सुन पा रहे हैं उनकी हरकतें, लेकिन वो तो उनको तो दिख रहे होंगे। तो उनको क्या छत पर नजर आ रहे हैं ये? उनकी देखना, ऊपर देखना। ऊपर तो कुछ भी नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा ना साहब। तो काफी देर से ऊपर वो पत्थरों के चक्कर में देख रहा होगा, शायद कोई कहीं से फेंक रहा हो तो वो मुझे रिकॉर्ड में आ जाए मेरे पास। अच्छा हम कई बार बोल के गए हैं ना। हाँ। अब खामोशी से चलते हैं, ठीक है? कितनी स्पीड में गुजर रहा है, उनके पर्दे फट जाते हैं। क्या घुस रहा है, क्या घुस रहा है बीच में से? कितनी स्पीड में गुजर रहा है, उनके पर्दे फट जाते हैं। टच हुआ है कोई चीज आ जाता है मेरे कान के पास। मेरे भी कान पर टच हो गया है। जैसे एकदम हवा का झोंका, कान के पर्दे हिल गए यार। लाहौल वाला, चलो चलो चल भाई बाथरूम के पास है। कान बंद हो गए। नहीं कर यार, हिला लो थोड़ा, संभल लो, दुआएं पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, ना दुआएं पढ़ लो, फिर शुरू हो गए जानवर, फिर शुरू हो गए जानवर। सुबह कोई बंदा तो नहीं है? लेकिन हमने वहाँ, चलो लेकिन हमने वहाँ चेक किया है अंदर। सुहेल भाई अंदर चेक किया है, कोई बंदा नजर आया? नहीं नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। इस रूम में ज्यादा आवाजें आई है, तोड़ फोड़ की, गिराने की चीजें। सुहेल भाई आप अपनी लाइट थोड़ा कम करें। सुहेल भाई, सुहेल भाई, सुहेल भाई, सुहेल भाई, हाँ 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 हाँ, उठ गया, उठ गया। ये लकड़ा उठा है, लकड़ा उठा है, घूम कर घूम कर घूम। इधर कमरे कोई है? इधर कमरे का कोई है? कोई है इधर? सुहेल भाई लेट हो रहा है। अल्लाह हू अकबर, कोई है इसके पीछे? इधर कोई है? नहीं नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे। लाहौल वाला कौन? सुहेल भाई इधर रिकॉर्ड करें, कोई है इसके आसपास? क्या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। माय गॉड, ये देख कैसे कोई नहीं है यार, इतनी ताकत तो है नहीं। कमल यार, और देख कोई था भाई? इंसानी ताकत तो वो तीन चार पल्ले हैं बड़े बड़े लकड़ी के। माय गॉड, ये देख कैसे कोई नहीं है यार, इतनी ताकत तो है नहीं। कौन है इधर? कौन है दादा इधर? कोई नहीं है। पहले बहुत भारी है, पहले वो हिलते थे मुसलसल। सुहेल भाई मुझे ऐसा लग रहा है कोई जानवर फंस गया था अभी इसमें। है कोई जानवर फंस गया था अभी इसमें? है कोई जानवर फंस गया था
सकते। नहीं वहाँ कैसे, बीच पे दीवार है कमरा, वहाँ कैसे कुछ होगा? कोई था यार, मैं समझा कुछ जानवर हो, जैसे ही अल्फाज निकला और ये गिर गया। ये ना मानने वाली चीजें, जो हॉल वाला कुवत भाई जान, पहले वो फिर ये, बहुत हैवी चीज है ये। इधर आओ, यहाँ से कोई नजर आ रहा है? ये वो पार्ट है साहब भाई, वो मैं गुसल देते हैं ना जिस पे। हाँ ये वो है। नहीं यार, हाँ यार इधर से कोई नजर आ, साइड से देखो। अस्सलाम वालेकुम, चलो इधर आए। ये जूता देखें, जूता देख रहे हैं? हाँ हाँ। तो वो ताला देखे सामने यार, ये पल्ले ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई बच्चा हिला रहा, खेल रहा झूलों के साथ। देखा मैंने, और ये भारी कितने हैं यार, वो रिकॉर्ड में है हमारे पास, कीमती है। वो है बिल्कुल है, सबसे पहला वही है हमारे पास। भाई जान वो दे दिया आप। इधर आए, इधर आए सर भाई, और देखे यहाँ पर एक पर यार, चेक कर ले आपको। कोई भी नहीं है यार, ये क्या बना हम खा जाते हैं, चबा जाते हैं हम खा जाते हैं, चबा जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह यार, कोई भी नहीं है यार, ये क्या बनेगा? हैरत की बात यह है कि मतलब बिल्कुल कान के पास आवाज आ रही है और कोई वजूद नहीं है वहाँ। मैं खड़ा हूँ, मेरे पाँव के पास से आवाज आई है, हम जहाँ मौजूद है हमारे दरमियान से आवाज आई है। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए यार साहब भाई, हम खा जाते हैं, चबा जाते हैं।